आईसीसी भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, मैं जब सोचती हूँ ना चैंपियन ट्रॉफी में वीडियो नहीं बनाऊंगी, जब ही कोई न्यूज आ रही है। आप ये कह रही हो कि जय शाह का आईसीसी चेयरमैन बनने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि आईसीसी तो भाई पाकिस्तान के साथ है, मतलब इतने सगे भाइयों का रिश्ता लग रहा है मुझे पीसीबी और आईसीसी का। खैर अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड आईसीसी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है। उन्होंने आईसीसी के बंदे ने दिए भाई, उनके चीफ हैं भाई आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को हम रिलोकेट करेंगे, ठीक है, कहीं और कहीं जिसे दूसरी कंट्री लेके जाएंगे। और अभी जो इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं वो डिस्पाइट है, वो मतलब उनसे अभी उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, लेना देना नहीं एक तरीके से उन्होंने ये बोला है। तो भाई इंडिया वालों क्या हो रहा है ये, मतलब क्या है, आ रहे हो क्या पाकिस्तान, बता दो मुझे पहले से ही भाई, तैयारी शैरी करके रख लूं। पिछली दफा दो पार्टी बम लेकर आए थे, इस दफा तो पूरा कंटेनर लेकर जाने पड़ेगा स्टेडियम, वो वाले बम नहीं वो सेलिब्रेशन वाले। अब खुशी भी होती है लेकिन कहीं ना कहीं जब फिर मैं दो तरफ सा सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये पूरा एक गेम चल रहा है, ये पूरा एक नहीं नहीं। अच्छा इसी के साथ एक और न्यूज भी है कि पाकिस्तान जो है आईसीसी के कुछ लोग आ चुके हैं देखने के लिए स्टेडियम, मोहसिन नकवी के दोस्त आ रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूँ ऐसा रिश्ता हो गया सगे भाइयों की तरह भाई। इसके साथ ही बहुत बड़ा बजट भी दे दिया हमें, बिलियन का दिया, आई थिंक कोई 12 बिलियन का दिया भाई, देख रहे हो आप, देखो हमारे तालुकात देखो। अच्छा देखो, ये बात तो नहीं कह रहा, हम मानते हैं बीसीसीआई इज अ रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड करंट एरा में, लेकिन आप तालुकात देखो किसके मैटर करते हैं। हम आईसीसी इतना ले लेंगे हम भी बन जाएंगे भाई, पीसीबी और पीसीबी की पावर का आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है ना। बंदे आ रहे हैं स्टेडियम वगैरह देख कर गए हैं, बोल रहे हैं भाई जान आप टेंशन नहीं लो, आ रही इंडिया यार, कोई मामला नहीं हो रहा है, हाइब्रिड वेन्यू वगैरह के सारे खत्म ना भी अपनी तरफ से बना के दे रहे हैं न्यूज इंडिया वाले। हमने अभी तक सिर्फ सोचा है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो पाकिस्तान में लाहौर फैसलाबाद मुल्तान कराची के लिए बहुत अच्छा बजट दिया गया स्टेडियम के लिए ना। चैंपियन बड़ा टूर्नामेंट है ना, कोई दो ग्राउंड में कजाफी में कराची में तो आप खेल नहीं सकते। नहीं ऐसा तो नहीं, मोहसिन नकवी थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि मतलब पैसे ले लेते हैं। मेरे हिसाब से देखो पॉइंट पे रहो, अब सीन कुछ ऐसा है कि देखो यार इंडिया वालों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर दी है ना कि हम तो नहीं, तो उसमें यानी निभाना चाहिए, हम तो नहीं आना चाहेंगे और हम तो ये कर देंगे, हम तो इससे अच्छा हम वॉकओवर ले लेंगे चैंपियन ट्रॉफी, हम खेलेंगे नहीं पाकिस्तान आने से बेहतर है, इतनी बड़ी बड़ी बातें आई हैं। तो भाई अब देखते हैं, क्योंकि देखो अब यही मुझे चक्कर भी लग रहा है, क्योंकि अभी मैं अपने एक फ्रेंड से पूछ रहा था, वो मुझे यही बोल रहा था कि यार देखो ये सीन भी हो सकता है कि ये पूरा हमारा माइंड तैयार कर रहे हैं एंड में जब जय शाह टेक ओवर कर ले। इतनी ज्यादा हमें उम्मीदें क्यों दे रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊंगा, जय शाह साहब ने अभी तक टेक ओवर नहीं किया है एज अ आईसीसी चेयरमैन, वो करेंगे दिसंबर में, 1st of December उनकी डेट होगी जब वो टेक ओवर करेंगे, और जब अगर वो पाकिस्तान के लिए हां मना करेंगे तो वो बोलेंगे भाई वो तो फला बंदा ने कहा था ना, मैं तो ये बोल रहा हूं, यही तो कह रहा हूं, क्या पता जय शाह साहब आए और पूरी टेबल को टर्न ओवर कर दे कि भाई ये भाई मैं चेयरमैन हूं यार, मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है कि को होस्ट करे। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब वो बहाना क्या देंगे आके बताओ, क्या देंगे अब वो, ये तो देंगे नहीं कि भाई सिक्योरिटी की वजह है या फिर इंडिया, वो डायरेक्ट देंगे कि भाई पाकिस्तान के खाली दो स्टेडियम ऐसे हैं जो अच्छे बन चुके हैं, कराची और कजाफी, ठीक है। अच्छा, तो उसमें करवा लेते, वो बनाएंगे अब स्टेडियम को इश्यूज, ठीक है ना, कि यार अब हम करा रहे सेकंड जो को होस्ट होगा ना वो हम श्रीलंका या दुबई। ज्यादा हमने मिलियंस डॉलर्स ले लिए आईसीसी, वाघा बॉर्डर को बना दो स्टेडियम, वहाँ पे लोग करते क्या है? मैं तो कह रहा हूँ बीच में आधा हम वहाँ पे लोग बैठेंगे, नहीं पागल पागल हो रही हो क्या तुम, बैठ जाएंगे बीच में से वो खोलो, ठीक है, गेट जो है ना खोलो, फौजियों वगैरह को हटाओ, फौजियों वगैरह को हटाओ, शाहीन को पकड़ाओ बॉल, रोहित को पकड़ाओ वहां से बल्ला, ठीक है ना, अपने अपने जगह पे रहेंगे सब। अब टेंशन की बात ही नहीं है, कोई पिच वगैरह का सिस्टम नहीं है, लेकिन यार ये तो वही, अब देखो जब ही नहीं आती इंडियन टीम, हमारी सोच देख रही हो तुम, हम गली क्रिकेट बना दी हमने उसको सही, कभी कहीं कभी ना कभी देखो सही बोलते हैं इंडिया वाले। खैर भाई अब आप लोगों को देखो जो आने वाले वक्त में, देखो मैंने तो एक बात बोली हुई है, ठीक है ना, कि दिसंबर से पहले एक बात इसके बाद में तुम्हें बता दूं, शाहीन से मुझे याद है, शाहीन और बाबर आ गए फॉर्म में बेटा डोमेस्टिक में, भाई मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, फुल था स्टेडियम बाबर को देखने के लिए। भाई ये जो मामला चल रहे हैं ना चैंपियंस कप के, तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैंने कसम खाई हुई है कि मैं एक मैच भी नहीं देखूंगा, मतलब एक मैच भी मैं नहीं देखूंगा, आप सोचो कि इतनी हाई पेस की, मतलब लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट से कुछ फायदा भी हो रहा है, बाबर की फॉर्म आ रही है यार, इसमें मैं नो डाउट एक चीज अच्छी करूंगा कि ये लोग 50 ओवर करवा रहे हैं, ठीक है, और इसमें अच्छी बात है कि भाई 20 ओवर में उल्टा गेम ही खराब होता है, कोई प्रैक्टिस होती नहीं है, हर बॉलर चाहता है विकेट आ जाए, बैट्समैन चाहे छक्का मारे, 50 ओवर में आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस देखो इंटरनेशनल मैच में काम आए तो प्रैक्टिस खेला, ये नहीं कि आपने चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस करी हो रही है। अब देखो ना मैं आपको मिसाल दूं, अभी दुलीप ट्रॉफी चल रहा है, वहां पे ईशान किशन ने देखो कितनी अच्छी इनिंग खेली है, ठीक है,
तो वो अब ये इसको यूटिलाइज करके मेन मैचेस में लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो अब इंडिया तो पाकिस्तान आ रही है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह के कदम पाकिस्तान के होम सॉइल पे तो पड़ेंगे पड़ेंगे। अब विराट कोहली आएगा कजाफी स्टेडियम, रोहित शर्मा भी आएगा कजाफी स्टेडियम, क्योंकि देखो अब रोहित शर्मा विराट से याद आया, जगह रखे साइयां मार सके ना कोई, ठीक है। अगर ऊपर वाले साई ने चाहा तो भाई इंडिया टीम भी यहाँ पे पाकिस्तान आके खेलेगी, यहाँ पे रोहित शर्मा के छक्के भी हम देखेंगे, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग भी हम देखेंगे। तो जो हमारी एक अंदर से ड्रीम है, हमारी अंदर से ख्वाहिश है ना भाई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देखने का, अब मुझे आने वाले वक्त में वो सच होता हुआ दिख रहा है भाई।